हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कराया था। नाउ आज हम पहले स्टार्ट करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स कुछ, जैसे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी वगैरह क्या होता है। एंड देन उसके हम बाद में लेंगे वीबीटी में भी चलेंगे, सॉरी एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड देन ठीक है, उसके बाद उससे उसमें भी बॉन्ड ऑर्डर वगैरह देखा जाता है एमओटी में भी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड पैरामीटर से। बॉन्ड पैरामीटर सर, कैन यू डिस्कस पेपर? तो पेपर का तो सॉल्यूशन मिला होगा ना यार राहुल, पेपर का सॉल्यूशन तो मिला होगा ना? नहीं मिला पेपर का सॉल्यूशन? कोई बात नहीं, मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पर। ठीक है, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, चेक कर लेना। ओके, अगर तुम्हारा कोई राइट और रॉन्ग दिया तो उसके लिए तुम मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर लो। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले हम लेंगे यहां पर बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जो है ये क्या है? बॉन्ड लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड का ही होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड के दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नाउ ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो है क्या होता है? देखो बॉन्ड ऑर्डर होता है कि बॉन्ड ऑर्डर या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड एक ही बात है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होता है। जैसे देखो सी सिंगल बॉन्ड सी है, दूसरे में सी डबल बॉन्ड सी है, और एक हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। तो हमने क्या बोला, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सेकंड वाले में डबल बॉन्ड है, थर्ड वाले में ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है ना, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, लिखो फिर। लिखा है ना ब्रैकेट में मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड या नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ब्रैकेट में लिखा है ना मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ,
जैसे वन हुआ बॉन्ड ऑर्डर, इसमें टू हुआ और लास्ट वाले में थर्ड थ्री हुआ। हाँ बोलो सर, मल्टीप्लिसिटी तो हमने वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई फॉर्मूला सीखा था ना, उसका एस इज इक्वल, वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, वो डिफरेंट थी। अच्छा, ये इसका नंबर है सर, इसका मतलब है सर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड लिगैंड, ऑफ बॉन्ड। अच्छा, सो इट मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स ओनली नो। हां हां सर, हाउ इफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज, व्हाट इज द रीजन? ओवरलैपिंग बढ़ता जाएगा ना यार, जैसे सिग्मा पहले वाले में सिग्मा बॉन्ड है, दूसरे वाले में सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड आ गए। ओके, तो एटम क्लोजर होते हैं, ओवरलैपिंग हो जाएगा। यस यस, ओके सर, ओके। यस सिद्धार्थ, मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया पेपर का सॉल्यूशन, चेक कर लो एक बार, जिस जिसको उसमें डाउट है वो चेक कर लेना, ठीक है? हाँ, नौ आगे चलते हैं, हो गया सब पे? हो गया सबका? तो नाउ नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। अच्छा सॉरी, बॉन्ड लेंथ तो कर ही रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ में नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है साइज। सीधी लिखो जल्दी,
दस कोवलेंट बॉन्ड का ही बॉन्ड लाइन डिफाइन होता है, आयनिक का नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम पर भी बॉन्ड लाइन डिपेंड करेगा। तो जितना ज्यादा साइज ऑफ एटम होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम कंपेयर करें HF, HCl, HBr और HI, इन सब में अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो साइज हमारे पास बढ़ता जा रहा है, F फिर Cl फिर Br फिर I, है ना, तो साइज बढ़ता जा रहा है, दैट्स व्हाई जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ हो गया और वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो भी हो। ओके, सो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर पर, जो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स है बेसिकली। ठीक है, तो नंबर बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उतना ही कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो सी सिंगल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा किससे, सी डबल बॉन्ड सी से, और सी डबल बॉन्ड सी से ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी से। ओके, इसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर अपने पास साइज ऑफ एटम। ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा एटम का उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। तो HF में फ्लोरीन का साइज छोटा है, फिर उससे बड़ा क्लोरीन का साइज, उससे बड़ा ब्रोमीन का, उससे बड़ा आयोडीन का, तो इस टाइप से बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जो है इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो ये डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर पर। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी भी होगा। ठीक है, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी का बॉन्ड एनर्जी जो है सी डबल बॉन्ड सी से कम होगा, और सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड एनर्जी जो है वो सी ट्रिपल बॉन्ड सी से कम होगा। ठीक है, इसको तुम वैसे भी देख सकते हो यार, हमारे पास तुमने एक स्टोरी सुनी बचपन में कि एक स्टिक दिया है ना, उसको तोड़ने के लिए तो इजीली तोड़ दिया, फिर दो स्टिक दिए एक साथ तो बोला तोड़ो, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई लेकिन तोड़ दिया, फिर तीन स्टिक दिया तो नहीं तोड़ पाए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट हो गया। फर्स्ट वाले में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इजीली टूट जाएगा, सेकंड वाले में डबल बॉन्ड आ गया तो तोड़ने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई, थर्ड वाले में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उनको तोड़ने में और ज्यादा डिफिकल्टी हुई, समझ आएगी नहीं? ठीक है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ये हम बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज्यादा हो।
एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड और ना उसके लिए नीचे लिखा है इट डिपेंड्स अपॉन बोलो सर इसका रीजन वही होगा ना कि इफ मोर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड मोर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड देन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक उसको ऐसे सोचना कि फर्स्ट वाले में जो सिग्मा बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है सेकंड वाले में सिग्मा और पाई है दोनों है उनको ब्रेक करना है ठीक है तो सिग्मा को ब्रेक करने के लिए कुछ अलग एनर्जी रिक्वायर्ड है पाई को ब्रेक करने के लिए कुछ अलग एनर्जी रिक्वायर्ड है तो एनर्जी बढ़ती जाएगी ना ओके सर वही मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो रहा है हाँ ऑब्वियसली ओके सर हो गया सबका नाउ बॉन्ड एनर्जी जो है इसके अलावा डिपेंड करेगी बॉन्ड लेंथ पर तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है उतना ही हम इजीली बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं ठीक है तो बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा उतना इजीली बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं मतलब बॉन्ड एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगा सो अगर हम कंपेयर करेंगे बॉन्ड एनर्जी HF, HCl, HBr और HIP तो हमारे पास सबसे इजीली HI का बॉन्ड ब्रेक किया जा सकता है क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है तो ये हमारे पास आ गया बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ठीक है इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो है अगर हमारे पास ज्यादा हो तो इजीली बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है तो बॉन्ड को इजीली ब्रेक किया जा सकता है मतलब बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या रहेगा कम रहेगा जैसे F2 Cl2 Br2 और I2 इन सभी का अगर हम बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करें तो एक्चुअल में जस्ट बॉन्ड लेंथ को अगर यहाँ पर देखते तो अपने पास ऑर्डर जो है क्या होना चाहिए था ये ऑर्डर होना चाहिए ठीक है क्योंकि जब हम F2 से Cl2 Cl2 से Br2 और Br2 से I2 जा रहे हैं तो ये हमारे पास होना चाहिए था बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा लेकिन देखो अब फ्लोरीन में बॉन्ड लेंथ जो है सबसे कम है तो उस बॉन्ड लेंथ सबसे कम होने की वजह से एक और चीज यहाँ पर हो रही है फ्लोरीन में जो बॉन्ड लेंथ है सबसे कम है तो उसकी वजह से एक और चीज हो रही है यार फ्लोरीन के ये जो लोन पेयर है ना ये बहुत पास में है बॉन्ड लेंथ कम है ना तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर जो है आपस में बहुत पास में रहेंगे ही नहीं रहेंगे तो ये लोन पेयर रिपल्सन जो है ठीक है ये यहाँ पर क्या होगा बहुत ज्यादा होगा इसका लोन पेयर एंड इसका लोन पेयर दोनों आपस में रिपेल करेंगे उस रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड आराम से क्या किया जा सकता है ब्रेक किया जा सकता है ठीक है सो डिस्टेंस बिटवीन लोन पेयर ऑफ टू फ्लोरीन एटम्स इज वेरी लेस ठीक है तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन लोन पेयर ऑफ टू फ्लोरीन एटम वेरी लेस है या वेरी स्मॉल है दैट्स व्हाई वो आराम से क्या है रिपेल होंगे
और रिपेल होंगे तो उसके वजह से बॉन्ड जो है आराम से ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ टू का जो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं, सी एल टू का जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ टू सी एल टू बी आर टू और आई टू का बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो गया। दक्ष वो डिपेंड करेगा कि यार F2 कहाँ पर आएगा, मतलब F2 का अगर हम ये तो बोल सकते हैं कि यार उसका Cl2 मतलब उसका बॉन्ड एनर्जी जो है कम हो गया है। ठीक है, वो कितना कम हुआ है वो तो डेटा पे डिपेंड करेगा। ओके, तो जब डेटा हम इसका देखते हैं Cl2 Br2 I2 और F2 का डेटा देखते हैं तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट ऑर्डर है पता है वो क्या रहता है, वो रहता है I2 से ज्यादा और बाकी से कम। ओके, I2 से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रहता है F2 का और Cl2 और Br2 से कम रहता है। ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉपर बॉन्ड मतलब प्रॉपर ऑर्डर देखना है इन सबका तो ऐसा है कि पूरा प्रॉपर ऑर्डर बता देते हम, सबसे ज्यादा तो होगा Cl2 का, ठीक है, देन उससे कम होगा Br2 का, उससे कम होगा F2 का, तो F2 का कम क्यों हो गया उसका रीजन हमने बता दिया। ठीक है, एंड देन उससे कम होगा I2 का, ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का इनका ऑर्डर। एक्चुअली F2 का सबसे ज्यादा होना चाहिए था बट उसका कम हो गया, और उसका रीजन क्या है कि लोन पेयर का रिपल्सन जो है, मतलब एक फ्लोरीन का लोन पेयर और दूसरे फ्लोरीन का लोन पेयर जो है उनका आपस में रिपल्सन हुआ है, उसकी वजह से वो आप इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, या अनस्टेबल हो रहा है उसकी वजह से तो इजीली ब्रेक किया जा सकता है। दक्ष और कोई डाउट है क्या? हो गया सबका, तो नव आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास बॉन्ड पैरामीटर्स हो गए, तो हमने बता दिया कि बॉन्ड पैरामीटर का कि कौन कौन सा फैक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी वगैरह जो भी है। ठीक है, नाउ अच्छा रेजोनेंस तुम डिटेल में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट थोड़ा सा हम रेजोनेंस के बारे में बता देते हैं क्योंकि उसका थोड़ा सा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने में यूज होता है। ठीक है, कुछ कुछ में क्या रेजोनेंस होता है और उसका यूज होता है फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालने में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो रेजोनेंस। यस दैट्स
तो रेजोनेंस जो है ये होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड है वहां पर हो सकता है रेजोनेंस। ठीक है, बाकी रूल्स जो है तुम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे डिटेल में। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर हमको एक एग्जांपल है इसका, जैसे मान लो CO 3-2 नेगेटिव, ठीक है, तो CO 3-2 नेगेटिव का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है उस या पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है हो सकता है इस वाली जगह पर हो, ठीक है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस जगह जंप करके आ सकते हैं। अच्छा, दोनों रेजोनेंस के बीच की हम इस टाइप से बताते हैं ना, आपस में स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं उसको ऐसे डबल एरो से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और देन यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, ठीक है, या फिर हो सकता है ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड पर हो, ठीक है। डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे बॉन्ड पर यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर इस वाले पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये वाला बॉन्ड फिर सिंगल होगा, तो सिंगल बॉन्ड है तो इस पे नेगेटिव चार्ज एंड देन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो इस टाइप से। तो अब एक्चुअली क्या है, हमारे पास पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो जंप कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर जंप करके जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर पाई, ये हम बोल सकते हैं पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है, पहले पाई बॉन्ड यहाँ पर है, फिर पाई बॉन्ड इधर आ गया, फिर इधर से जंप करके इधर चला जाएगा, समझाया। तो वही देखो, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आए, आएगी नहीं आए, ठीक है, तो यहाँ पर आ गए, फिर ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके किधर जाएंगे, इस पे चले गए। ओके, ठीक है, पहले इधर जंप करके आए, फिर इधर से इधर चले गए, अब वापस यहाँ से इधर चले जाएंगे। ओके, तो वापस यहाँ से ऊपर चले जाएंगे तो पहले वाली स्ट्रक्चर ही आ गई, देखो, ठीक है। सो इस टाइप से हमारे पास क्या, वो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहेंगे, कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो तीनों बॉन्ड पर हो सकता है ना, पाई बॉन्ड जो है वो तीनों जगह पर भी हो सकता है, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, मतलब जब यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं ना, देखो होना क्या चाहिए, अगर हम देखें तो हम देखे थे यार ऐसा होना चाहिए कि डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए और बाकी ये दोनों बॉन्ड है तो इनका बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है कि नहीं, मतलब एक बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अलग और बाकी दो बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कुछ ऐसा ही है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि तीनों बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम होता है, तो तीनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सेम होता है इसका मतलब तीनों बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सेम होने का रीजन ही रेजोनेंस है। एक्चुअली क्या है कि तीनों बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, वो क्या होता है देखो, तो जैसा हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या जो पाई बॉन्ड है वो तीनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो एक तो तीनों में सिग्मा बॉन्ड होगा ही, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तो सभी में होगा, इसके अलावा सभी में पाई बॉन्ड भी होगा, ये तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ गया, इसके अलावा तीनों पर इक्वली पाई बॉन्ड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इक्वली तीनों पर पाई बॉन्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो एक बॉन्ड तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हम उसको कुछ ऐसा बनाते, ठीक है। तो ये तीनों पर क्या है, पाई बॉन्ड भी चला गया है, ओके, और तीनों पर मिला के क्या है, टू नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है। तो ये हमारे पास हो रहा है रेजोनेंस, ओके, ये क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ना तो वो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, वो वन और टू के बीच का है, एक तो पूरा पूरा बॉन्ड है और एक बॉन्ड क्या है, एक जो पाई बॉन्ड है वो तीनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, एक तो पूरा सिग्मा बॉन्ड था अपने पास, इसके अलावा जो पाई बॉन्ड है वो तीनों पर क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ओके। सो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर जो एक तो सिग्मा बॉन्ड है, इसके अलावा एक पाई बॉन्ड जो था वो तीनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब क्या आ गया, 1+1/3 यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आ गया, दैट इज नथिंग बट 4/3, ओके। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1.33 आएगा, ओके।
CO3 2 नेगेटिव में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.33 होता है, और रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है रेजोनेंस। सिद्धार्थ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना, अभी ये बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या है, मैंने क्या बोला कि एक तो पूरा पूरा सिग्मा बॉन्ड है ना, इसके अलावा जो पाई बॉन्ड हम देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड जो है, ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है कि नहीं, तो पाई बॉन्ड तीनों जगह पर, ओके पाई बॉन्ड जो है तीनों जगह पर है, तो वो पाई बॉन्ड तीनों जगह पर एक्चुअली एक्चुअली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो एक बॉन्ड अगर तीन जगह पर है तो एक जगह पर उसका कितना पार्ट रहा, 1/3 रहा कि नहीं रहा, ओके हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो तीन जगह पर है तो एक जगह पर उसका कितना पार्ट रहेगा, 1/3 रहेगा ना जस्ट, ओके सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, एक तो पूरा एक पूरा सिग्मा बॉन्ड, इसके अलावा पाई बॉन्ड का 1/3 पार्ट, ओके सो 4/3 विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। यस सर बोलो सर, मुझे वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग समझा नहीं, उसका क्या मीनिंग है? डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं एक पेयर से दूसरे पेयर पर, दूसरे से तीसरे पेयर। सर और वो सारे तीन पोजीशन पे साथ में कैसे रह सकते, बॉन्ड तो एक ही है ना? एक वो तो तीनों पर मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना यार, वो जंप हो रहा है बेसिकली। ये क्या है कि हमारे पास एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर जंप कर रहा है, ओके वो चलता रहता है, दैट्स व्हाई वो पाई बॉन्ड जो है तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा बोल रहे हैं। सर जंप कर रहे तो एक टाइम पे तो एक ही पे होगा ना, वैसे बोल रहे हैं? हाँ ओवरऑल हम तो ओवरऑल देखेंगे ना यार, मतलब हम यही है ना, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो तीनों का बॉन्डिंग सेम मिला है, और इसको समझाने के लिए हमने एक रेजोनेंस कॉन्सेप्ट बोल दिया कि इसके पीछे क्या है, कुछ रेजोनेंस रहा होगा इसलिए, ओके सर ठीक है। एक्सपेरिमेंटली मतलब अगर वैसे देखें तो एक डबल बॉन्ड है और बाकी सिंगल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए और सिंगल का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों का बॉन्ड लेंथ सेम है, तो रीजन क्या बोल दिया, रीजन बोल दिया रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से तीनों जो बॉन्ड है वो सेम रहते हैं। यस सिद्धार्थ, ठीक है। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ पर एक और मैं फॉर्मूला बोल सकता हूँ कि टोटल बॉन्ड कितना है डिवाइड बाय बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है ऐसे भी इसको देख सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो अगर इस वाले में हम देखें तो हमारे पास टोटल बॉन्ड कितने हैं, देखो चार है ना, टोटल बॉन्ड कितने हैं, देखो चार है कि नहीं, और बॉन्ड पेयर कितने, तीन ही है ना, मतलब एक दो तीन, तीन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ओके तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इज 4 डिवाइड बाय 3 के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा बोल सकते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 4/3 या 1.33, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी तुम बोल सकते हो। तो ये हो गया CO3 2 नेगेटिव में रेजोनेंस। नाउ इसी टाइप से O3 की बात अगर हम करेंगे, ओजोन, तो ओजोन का स्ट्रक्चर क्या है, ओजोन का स्ट्रक्चर है अपने पास कुछ ऐसा, ठीक है, लेकिन बाद में हम इसको फॉर्मल चार्ज के कॉन्सेप्ट से जब लिखते थे तो क्या होता था, ऐसा होता था, है ना। तो देखो यहां पर रेजोनेंस अगर होगा, ठीक है, तो इसमें अगर रेजोनेंस होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके इधर आएगा, ओके ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आएगा,
इस वाले पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव और इधर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास, अब वापिस अगर मैं बोलूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके इधर आ जाएगा, मतलब पहले वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर होगा, ठीक है, ऐसा है अपने पास। इसके अलावा ये देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, अगर तुम्हें चार्ज को देखना है तो बीच वाले पर तो ये चार्ज है और ये ओवरऑल तो हमारे पास ऑब्वियसली न्यूट्रल है, तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताओ, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, टोटल नंबर बॉन्ड 3 है डिवाइड बाय 2, दैट इज 1.5, ठीक है। टोटल बॉन्ड 3 है ना, और दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1.5, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि एक पूरा बॉन्ड है ना, एक तो पूरा एक पूरा बॉन्ड है, इसके अलावा पाई बॉन्ड दो के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। एक पाई बॉन्ड है वो दो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी देख लो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय बॉन्ड पेयर, या फिर दूसरा हमने क्या बताया है कि एक जितने भी सिग्मा बॉन्ड है वो, जो कि ऑब्वियसली 1 है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखो, तो एक बॉन्ड में कितना पार्ट है। यस वेदांत, ऑब्वियसली अगर तुम बीच वाले ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज लेके आ जाते हो, अगर तुम बीच वाले ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज डालते हो फाइनल वाले में, तो बाकी दोनों ऑक्सीजन जो है, बाकी दोनों ऑक्सीजन जो है उन पे -half - -half आ जाएगा, क्योंकि माइनस चार्ज भी एक तरह से देखेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, माइनस वन चार्ज इस पे भी आ रहा है, माइनस वन चार्ज इस पे भी आ रहा है, दोनों पर जो चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट।
ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है इस पर रहेगा ना यार, डबल बॉन्ड जो है ओ नेगेटिव वाले पर थोड़ी रहेगा, ऊपर रहेगा। ओ नेगेटिव का सिंगल बॉन्ड होगा ना, क्योंकि उसके ऑलरेडी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा। तो डबल बॉन्ड जो है किस पर है, ओ वाले पर। ओके, तो ओ थ्री का ये है। हाँ बोलो सर। फिर सेकंड केस में चेंज क्या हुआ? फर्स्ट डायग्राम ही हुआ ना वो, तो बस राइट साइड में मैंने ओ ड्रॉ कर दिया। हाँ तो वही है ना, ये जो डबल बॉन्ड है इसका पाई बॉन्ड जो है जंप कर गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन जंप कर गया ना इस वाले पर। जंप करेगा तो फिर आपने बोला ओ माइनस के पास जाएगा ना वो दूसरे वाले बॉन्ड के पास। हाँ तो ओ माइनस वाला जो है ओ बन गया, और ओ वाला ओ माइनस बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से चेंज हो गए ना। मतलब तू ऐसा भी बोल सकता है कि ये जो डबल बॉन्ड है या पाई पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पाई बॉन्ड जो है लेफ्ट वाले में भी हो सकता है, राइट वाले में भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। तो अगर पाई बॉन्ड लेफ्ट वाले में रहा तो राइट वाले पर ओ नेगेटिव, अगर राइट वाले में रहा तो लेफ्ट वाले पर ओ नेगेटिव।
ओके सिमिलरली हमारे पास मतलब एग्जांपल लेते हैं SO42 नेगेटिव का. SO42 नेगेटिव में देखो क्या है, S डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव. तो यहाँ पर भी हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं. मान लो ऊपर वाला जो है ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया तो ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर फिर? ऑब्वियसली यहाँ पर भी वही सेम सिस्टम चलेगा ठीक है. और ये डबल बॉन्ड जो है हमारे पास ऑब्वियसली इधर भी हो सकता है ना. तो इस टाइप से हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो अलग अलग जगह हो सकता है. एंड ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट है. ओके, और माइनस टू चार्ज भी हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हर एक पर माइनस हाफ आ जाएगा. So, bond order क्या होगा बताओ? टोटल बॉन्ड 6 और 4 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो 1.5 आएगा ना. वेदांत इट इज टेट्राहेड्रल, एक्चुअली वो मैंने ऐसे बनाया बट इट इज टेट्राहेड्रल.
एनओ थ्री नेगेटिव का बताओ क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर। स्ट्रक्चर पता है सभी को ना, एन डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव एंड देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम विदाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे लिखते थे, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ओके। तो क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या होगा,
ठीक है। सो ये हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो इधर से इधर जंप करेगा, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां से यहां जंप करेगा, तो हमारे पास राइट साइड वाले पर आ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो क्या है, हर एक पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है ना। और ओवरऑल क्या चार्ज है यहाँ पर, ओवरऑल माइनस वन चार्ज है। ओवरऑल माइनस वन चार है, ओके। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, टोटल बॉन्ड फोर है और तीन में डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्या आ गया 1.33 ना, ओके। सो एनओ थ्री नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर 1.33 हो जाएगा। दस डिटेल में तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अभी यहां पर जस्ट हम बॉन्ड ऑर्डर बता रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं रेजोनेंस के थ्रू।
हो गया। नाउ आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, इट इज बेस्ड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है कि मान लो अपने पास एक ऑर्बिटल है साई, ठीक है, और दूसरा ऑर्बिटल है साई, तो ये लीनियरली कंबाइन होंगे। तो यहाँ पर लीनियरली जब ये कंबाइन होंगे, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, याद दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल, साई एंड साई वी आर एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, लीनियरली जब कंबाइन होंगे तो दो टाइप से कंबाइन हो सकते हैं, एक तो ऐड हो सकते हैं और दूसरा सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड हो रहे हैं तो इससे बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, थोड़ी देर में हम बताएंगे फीचर्स में। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसे बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग वाले एडिशन से बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग वाले सब्ट्रैक्शन से बनेंगे। दैट्स लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब लीनियरली कंबाइन होना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लीनियर शेप नहीं भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, साई होते हैं, साई साई से ही एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो अगर ऐड हो गए तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गए तो क्या हो गया, मतलब एक एक एडिशन दूसरा सब्ट्रैक्शन, दो ही टाइप से कंबाइन हो सकते हैं लीनियरली। शेप वाइज की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, ओवरलैप की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, ओवरलैप नहीं, कंबाइन होना। ओवरलैप नहीं करेंगे, कंबाइन होंगे। अब सब्ट्रैक्शन का मीनिंग अगर तुम देखोगे तो उसका ऐसे बोल सकते हो कि एक का पॉजिटिव वाला और दूसरे के नेगेटिव वाले से जब कंबाइन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन है। एक का पॉजिटिव वाला दूसरे के नेगेटिव वाले से कंबाइन हो रहा है मतलब सब्ट्रैक्शन है, और एक का पॉजिटिव वाला दूसरे के पॉजिटिव वाले से ही कंबाइन हो रहा तो एडिशन, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव वाला साइन और पॉजिटिव वाला साइन अगर ऐड हो रहे हैं तो एडिशन हो गया, और एक पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव ऐड हो रहा है मतलब सब्ट्रैक्शन हो गया। यस सिद्धार्थ, करेक्ट है, बॉन्डिंग ओवरलैप और एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप की बात की थी तो वो ओवरलैप था, ये कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट ये क्या है, कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात नहीं करे, वी आर जस्ट कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बना रहे हम यहाँ पर, जस्ट क्या ऑर्बिटल कंबाइन करने की बात करें। एक तरह से जो ओवरलैप वाला था ना ऑलमोस्ट वैसा ही है,
बट थोड़ा डिफरेंट है। दैट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम क्या करते थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो हम मिक्स करते थे और नए ऑर्बिटल बनाते थे, वो सब काम यहां पर नहीं कर रहे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद हम एग्जांपल लेंगे और कॉम्बिनेशन के, तो वहां पर देख लेना। लिख लिया सबने? हो गया? चले आगे। नाउ सेलियंट फीचर्स ऑफ एमओटी, तो देखो जैसा हमने बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, सो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है कब बनेंगे, जब एटॉमिक ऑर्बिटल ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होंगे। इसके अलावा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सो नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्रिएटेड। ठीक है, अब यहां पर भी दो तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक बॉन्डिंग वाला दूसरा एंटी बॉन्डिंग वाला। तो टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर क्रिएटेड, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हेलो। हाँ तो इसके अलावा हमारे पास अभी दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग वाला एक एंटी बॉन्डिंग वाला। तो बॉन्डिंग वाले की जो एनर्जी है वो एंटी बॉन्डिंग वाले से कम रहती है। ओके, बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो एंटी बॉन्डिंग वाले से कम होती है। हम बोल सकते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले की ज्यादा है। द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोअर देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है इट इज लोअर देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर हम इसको लाइक ग्राफिकली इस चीज को देखना चाहें तो देखो ऐसा होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, एनर्जी का ग्राफ, एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो जितना कम डिस्टेंस होता है उतना ही कम एनर्जी होगा। जितना हमारे पास कम डिस्टेंस होगा उतना ही कम एनर्जी होगा। तो एक्चुअली बॉन्डिंग के लिए एनर्जी इस टाइप से डिक्रीज होता जाता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में एनर्जी बढ़ता है। तो ये हमारे पास बॉन्डिंग वाला हो गया। ओके, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी का ग्राफ है। और एंटी बॉन्डिंग में कुछ इस टाइप से है, एंटी बॉन्डिंग का ग्राफ पॉजिटिव रहता है और वो बढ़ता ही रहेगा। ओके, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी का ग्राफ है कुछ इस टाइप से रहता है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है एनर्जी बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग में क्या, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज होता है। फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में अगर तुम और फर्दर एनर्जी डिक्रीज करो, सॉरी डिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वाले में डिस्टेंस मतलब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच का डिस्टेंस। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे जैसे पास में आ रहे हैं, ओके, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। ओके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती जाएगी। फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पास में और पास में तुम अगर ऑर्बिटल्स को लेके आओगे तो फिर एनर्जी बढ़ेगी। ओके, नो दैट्स ओवरलैप नहीं, दे आर कंबाइनिंग, ओवरलैप नहीं हो रहे, वो कंबाइन हो रहे। ठीक है, ओवरलैप जैसा ही है बट वो कंबाइन हो रहे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उसमें ऑफ़बो के रूल्स सारे फॉलो किए जाएंगे। तो ऑफ़बो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो रूल्स हैं वो सारे फॉलो किए जाएंगे। तो द ऑफ़बो पॉली एंड हंट्स रूल आर followed for configuration. तो configuration के लिए ये जो rule थे ये अभी भी follow किए जाए। फिफ्थ पॉइंट में द ऑफ्बो पॉली एंड हंट्स रूल आर फॉलोड फॉर कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स अभी बताते हैं, वैसे मैंने जैसा बताया ओवरलैपिंग जैसा ही है बट हम यहाँ पर कंबाइन करने की बात कर रहे हैं। ओके, एक हमारे पास मान लो एक एस का ऑर्बिटल आया, दूसरा एस का ऑर्बिटल, दोनों पास में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोनों पास में आ रहे हैं और वो बॉन्डिंग टाइप हो रहा है मतलब सेम साइन के पास आ रहे हैं, बॉन्डिंग मतलब कि सेम साइन के पास में आ रहे हैं तो एनर्जी कम होता जाएगा। फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से और पास में लेके आएंगे उनको तो एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट साइन के, मैं बोलता हूं एक प्लस पॉजिटिव साइन का एक नेगेटिव साइन का, तो अपोजिट साइन के पास में आ रहे हैं मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अपोजिट साइन के पास में आ रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी बढ़ता रहेगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा।
फिफ्थ पॉइंट है द ऑफ पॉली एंड हंस रूल आर फॉलोड फॉर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस लेट्स बोलो सर, वो जो ग्राफ है बॉन्डिंग वाला, वो उसमें एनर्जी नीचे कैसे जा रही है? व्हाट इज नेगेटिव एनर्जी? अरे यार, जब भी अपने पास एनर्जी रिलीज होता है तो एनर्जी तो डिक्रीज ही होगा ना। अच्छा, दैट इज रिलीजिंग। ओके सर, तो डिस्टेंस कम करेंगे तो एक पॉइंट पे बहुत एनर्जी रिलीज होगा, उसके बाद वापस रिलीज होना कम हो जाएगा। ऑब्वियसली वो, हाँ मतलब उसके बाद एक्चुअली क्या है, जैसे हम पास में आएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ रहा पड़ता है, एक्चुअली ऐसा होता है ना। तो फिर क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में, मतलब दोनों चीज हो रही होती है हमेशा, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जस्ट अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। ओके, तो जब तक अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तब तक तो एनर्जी कम होगी, फिर उस पॉइंट के बाद में रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाएगा, फिर एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। ओके सर, ओके। तो जब तक अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, जैसे ही रिपल्शन होने लगा एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके ओके okay, सो अब देखो ये कंबाइन कैसे होंगे, तो ओवरलैप जैसा ही है, जैसा हमने बताया ओवरलैप जैसा ही है। जैसे मान लो ये देखो, ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एंड अगर एस ऑर्बिटल हमारे पास माइनस वाला आता है, जैसे हर एक में एक्चुअली प्लस और माइनस दोनों होते हैं, ठीक है, बट जनरली प्लस वाला कम रहता है, ठीक है। तो अगर दोनों एस और एफ के कंबाइन हो रहे हैं और प्लस है, ओके तो इससे हमारे पास बॉन्डिंग वाला बनेगा। इससे कैसा बनेगा? बॉन्डिंग वाला, जैसे हमने ओवरलैप के टाइम भी बनाया था, या कंबाइन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों प्लस प्लस के कंबाइन हुए, तो ये हमारे पास क्या है, इसको मैं ऐसे बोल दूंगा, एक तरह से साई ए प्लस साई बी हुआ, ठीक है। तो ये कौन सा वाला है? ये सिग्मा वाला है, ओके, सिग्मा एस। अगर हमारे पास एक प्लस आया और दूसरा माइनस आया, तो एक्चुअली ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, इसका मतलब क्या है, ये सब्ट्रैक्शन है, ओके। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, ये इस टाइप से अपने पास कुछ आ गए, तो ये हमारे पास है साई ए माइनस साई बी, और इसको हम लिखेंगे सिग्मा स्टार। इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा स्टार एस लिखेंगे, ठीक है। इसी टाइप से पी की भी हम बात कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि पी जो है, अगर सेम साइन का है, ठीक है, चाहे प्लस माइनस कोई भी ले लो, तो अगर सेम साइन का हो रहा है कंबाइन, ठीक है, तो वो बॉन्डिंग वाला बनेगा। सेम साइन का कंबाइन हुआ तो क्या बनेगा? बॉन्डिंग वाला, ठीक है। तो बॉन्डिंग वाला बनेगा, और ये कंबाइन कैसा हुआ है, ये हमारे पास एक्चुअली कंबाइन हुआ है, तो सिग्मा बनेगा, तो दिस इज सिग्मा पी। एंड अगर अपोजिट साइन का कंबाइन हुआ तो ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग वाला आ जाएगा, मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग वाला आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास पी वाले हैं, ठीक है, हमने पी और पी को कंबाइन कराया है। तो पी और पी एक तो एड हो सकते हैं, दूसरे क्या है, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सेकेंड वाला जो है क्या है, सब्ट्रैक्शन है, ओके। तो प्लस माइनस एंड देन माइनस, सेकंड वाले में क्या है, माइनस जो है और प्लस ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ आ गया, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार पी, ओके। ये क्या है, सिग्मा स्टार पी,
यस लक्ष्य बोलो। सर सेकंड केस में तो प्लस माइनस होगी, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि सेम ऑर्बिटल्स का साइज है। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं है, प्लस माइनस जीरो नहीं होता है, वो अलग अलग वैल्यू रहती है ना, सेम वैल्यू थोड़ी रहती है अपने पास प्लस और माइनस की। बट सेम साइज है ना, क्या? अरे साइज तो सेम है ना दोनों का, तो दोनों को प्लस और साइज, अरे माइनस। साइज सेम, इसमें भी प्लस माइनस दोनों है, इसमें भी प्लस माइनस दोनों है, ठीक है, बट यहाँ पर वो हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एक तरह से दिखा नहीं पा रहे इसको। ओके, दोनों में प्लस माइनस होता है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से ऐड हो रहा है, ये हम बोल रहे हैं कि दोनों सब्ट्रैक्ट हो। ओके, हर एक में प्लस माइनस है, बट प्लस की वैल्यू जनरली ज्यादा ही होती है, वेव फंक्शन से तुम सर देख फिर सकते हो, प्लस ऊपर की वाले वैल्यू ज्यादा में रहती जो है। ऊपर वाले में फर्स्ट भी ऐसा ही, वाला, प्लस माइनस दोनों है, फर्स्ट वाले में भी ऐसा ही है, दोनों में प्लस माइनस है, इसमें मतलब लेफ्ट वाले में भी प्लस माइनस है, राइट वाले में भी प्लस माइनस है, दोनों है, बट एड मतलब जो कंबाइंड हो रहे हो प्लस प्लस वाले हो, समझ आया? और सेकंड वाले में माइनस ज्यादा है। सेकेंड वाले में माइनस ज्यादा नहीं है, सेकेंड वाले में हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई प्लस वाले को माइनस कर दिया, समझ आया? सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो जो प्लस वाला है वो क्या हो गया, माइनस हो गया, और माइनस वाला प्लस हो गया, उस टाइप से कंबाइन करे, समझ सर आया कि नहीं आया? ऊपर ऊपर भी तो माइनस था ना। एक मिनट, एक मिनट यार, तू मेरी बात सुन, एक मिनट। ऐसा है, मान लो अपने पास ऐसा है कि ये 21 एंड -2, एक अपने पास मान लो वैल्यू ऐसी है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू मान लो 19 -3 ऐसी है। अब तुम इनको अगर ऐड करोगे, ठीक है, अपने पास मतलब प्लस वाला पार्ट इतना है, माइनस वाला पार्ट इतना है, ओके, अगर तुम इसको ऐड करते हो तो ऐड करके जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 21 प्लस 19 -5 ऐसा मिलेगा, ठीक यस है। सर, अब अगर इसको तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उल्टा हो जाएगा ना, अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आएगा, 3 -19, ऐसा आएगा ही नहीं आएगा, पता? यस सर। हाँ, तो वो चीज है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सेकंड में सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, उसका क्या रीजन है लाइक? अरे वही तो बोला, लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, रीजन कुछ नहीं, हमारे पास दो टाइप से कंबाइन हो सकते हैं, एक तो ऐड होके सब्ट्रैक्ट होके, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन होंगे दो टाइप से हो सकते हैं, एक तो ऐड होके हो सकते हैं, एक सब्ट्रैक्ट होके हो सकते हैं, तो ऐड होके होंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और सब्ट्रैक्ट होके होंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके सर, तो सेकंड वाले में माइनस साइन डाल दे बीच में ना हम। माइनस साइन डालोगे तो फिर इधर प्लस डालना, अगर तुम अच्छा इधर माइनस सेम ही साइन नहीं गया। डालोगे तो इधर, हाँ इधर प्लस साइन डालोगे फिर, समझाया नहीं ओके आया? सर, यस यस ओके। ओके, सब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, जब मतलब यहाँ पर माइनस साइन नहीं डाल रहे, इसका मतलब क्या है कि हम अपोजिट साइन का कंबाइन करा रहे, समझाया? ओके, जब हम यहाँ पर माइनस साइन नहीं डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अपोजिट साइन वाले को कंबाइन कराएंगे, सेम साइन वाले को नहीं कराएंगे। ओके, तो इसको सिंपली ऐसे देखो कि अगर सेम साइन का कंबाइन हो रहा है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, और अगर अपोजिट साइन का कंबाइन हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, क्लियर है? यस सर। ओके, सो ये हो गया, अभी तुम अगर देखना चाहो तो पाई वाला भी देख सकते हो, सिमिलरली पाई वाले में भी ऐसा ही है, हमारे पास दो टाइप से कंबाइन हो सकते हैं, तो यहां पर क्या है, ये बॉन्डिंग वाला होगा ना, यहां पर क्या आएगा, बॉन्डिंग वाला, ठीक है, तो पाई होगा, और अगर अपोजिट साइन के कंबाइन हुए तो इसका मतलब क्या, हम अपोजिट साइन ले लेंगे, ठीक है, कंबाइन करते टाइम अपोजिट साइन ले लेंगे, तो ये सब्ट्रैक्शन है बेसिकली, तो यहां पर क्या होगा, तो ये पाई स्टार हो। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनता है और एंटी बॉन्डिंग वाला भी बनता है, क्लियर है? ठीक है, सो चलो, यस टाइम हो गया है, सो लेक्चर एंड करते हैं।
सिद्धार्थ, यस, जब सेम साइन के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और जब अपोजिट साइन के कंबाइन होते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है. ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी कंबाइन होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बट सेम साइन के होंगे तो बॉन्डिंग, अपोजिट साइन के होंगे तो एंटी बॉन्डिंग. दैट्स एक्चुअली वो इलिप्स टाइप से आ जाएगा ना, एक एस का और दूसरे एस का मिलकर इलिप्स टाइप का आएगा, स्फेरिकल नहीं आएगा, एलिप्स टाइप का आएगा. ओके, दो स्पेयर मिलके एक बड़ा स्पेयर नहीं बना रहे, वो इलिप्टिकल टाइप का बना रहे, क्योंकि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस तो वही रहेगा, न्यूक्लियस का पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो एलिप्टिकल टाइप का बनाएंगे. ओके, सो लेक्चर एंड करते हैं, बाय. आज कोई होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा.